हेडलाइंस रो प्रायोजक सोबिस्को डिजायर नारी सोबिस्को यम यम स्पुडुल एबे सोबिस्को डिजायर नारी सहित संपूर्ण मागणा सरला जम्मू काश्मीर तृतीय तथा शेष पर्याय निर्वाचन 40 आसन पर ईवीएम रे सील हला 415 प्रार्थी भाग्य पांच रे हरियाणा निर्वाचन सरिबा परे 8 तारीख रे हबो उभय राज्यर वोट गणना बुलडोजर जस्टिस उपरे राय संरक्षित रखिले सुप्रीम कोर्ट सुनानी शेष न होबा जाय देशर कोनोसी स्थान रे कोनोसी अपराधी को घर उपरे बुली पारिबोनी बुलडोजर अक्टूबर पहिला जाय थिबा स्थगितादेश अनिर्दिष्ट काल पई वृद्धि किंग मेकर रु किंग हवा पई मन बोलाई प्रशांत किशोर गांधी जयंती रे घोषणा करिबे नुआ राजनैतिक दल बिहार रो समस्त 243 आसन रे प्रार्थी दबा पई योजना पीके हेबे कि बिहार रो अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स रे क्लिक करि पारिबे तो सात कोटी टंका ठकई रो शिकार हेले बर्धमान ग्रुप मुख्य एपी ओसवाल दुई दिन डिजिटल कस्टोडी रे रखी ठकी नेले साइबर ठक ईडी सीबीआई एवं सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति को ना नहीं कले ठकई पुलिस रे अभियोग परे फेरी पाई 5,25,00,000 लबानन विरोध में बड़ युद्ध सजबाज ग्राउंड ऑपरेशन आरंभ कला इजराइल सेना हिजबुल्ला आतंकी को खोजी खोजी मारुछंती स्पेशल फोर्स सेपटे सीमा आड़ को मुहैला अत्याधुनिक टैंक नेतान्याहू को सहित फोन रे कथा हेले प्रधानमंत्री मोदी शांति एवं स्थिरता पई कले अपील एवं कानपुर टेस्ट को 7 विकेट रे जितिला टीम इंडिया 95 रन रो विजय लक्ष्य को 3 विकेट हराई कला हासिल यशस्वी जयसवाल को धुआंधार अर्धशतक 2-0 रे सीरीज विजय वर्षा जो अढ़े दिन खेल होता बाधाप्राप्त सोबिस्को डिजायर नारी सोबिस्को यम यम स्पुडुल एबे सोबिस्को डिजायर नारी सहित संपूर्ण मागणा नमस्कार दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण जातीय एवं अंतर्जातीय खबर सह मु विभ्रंजन एवं आसतु फोकस पॉइंट खबर अभियान को आगे बढ़ावा जम्मू काश्मीर सरी जम्मू काश्मीर निर्वाचन मंगलवार जम्मू काश्मीर थिला तृतीय तथा शेष पर्याय निर्वाचन सातोटी जिले में बाकी 40 विधानसभा आसन पर भोटिंग 40 आसन मध्य 24 जम्मू डिविजन में थे बाकी 16 काश्मीर डिविजन में रही ईवीएम सिल हो 415 प्रार्थी भाग्य जम्मू डिविजन 16 आसन में मुख्यतः बीजेपी और कांग्रेस मध्य होती द्विमुखी लड़े सेपटे काश्मीर डिविजन में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू काश्मीर पीपुल कॉन्फ्रेंस और आवामी इतिहाद पार्टी मध्य होती 2014 पर धारा 370 और 35 ए उच्छेद पर जम्मू काश्मीर में होती निर्वाचन पूर्व जम्मू काश्मीर में 87 विधानसभा आसन थी एथर किंतु सीमा पुनर्निर्धारण करा 90 होती आउ एक बड़ कथा हो राज्य भाव में नुहे बर केन्द्रशासित अंचल भाव में भोट दे जम्मू काश्मीर सेप्टेम्बर 18 और 25 तारीख में प्रथम और द्वितीय पर्याय भोटिंग होता एवं तृतीय तथा शेष पर्याय मतदान शेष होसंता 5 तारीख में हरियाणा निर्वाचन शेष होगा पर 8 तारीख में हेबो उभय राज्यर भोट गणति बुलडोजर जस्टिस उपरे राय संरक्षित रखिले सुप्रीम कोर्ट जदि कौन व्यक्ति किसी अपराधिक कार्य संप्रक्त सन्देह गिरफ होती किसी राज्य सरकार संगे संगे घर कि दुकान उपरे बुलडोजर चढ़ाई देखते कोर्ट को राय को अपेक्षा नक घर भांगी दि जाऊँगी अभियुक्त ना नथिले मध्य से घर को भांगी दि जाऊँगी किसी क्षेत्र में अभियुक्त भड़ा रोकवा घर को भांगी दि जाऊँगी जहाँ को विरोध कर सुप्रीम कोर्ट में एकाधिक मामला दायर होता बुलडोजर जस्टिस उपरे रोक लगवाई सुप्रीम कोर्ट में आवेदन जहाँ उपर शुणी करते जस्टिस बी आर गाभाई और जस्टिस के भी विश्वनाथन खंडपीठ सारा देश में अक्टोबर पहला जाए बुलडोजर जस्टिस रे रोक लगे सुप्रीम कोर्ट जहाँ को अनिर्दिष्ट काल बढ़ाई दि जाए मामलार शुणा शेष न होगा पर्यंत देशर कौन स्थान में कौन अभियुक्त घर कि दुकान को बुलडोजर लग भंगा जापरना स्पष्ट निर्देश देते सर्वोच्च कोर्ट भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और सुप्रीम कोर्ट जो राय शुणे ता समस्त सामान हे एथिरे धर्म किंबा संप्रदायर बाछ विचार रहिबो नाही तेबे बेआईन निर्माण उच्छेद क्षेत्र में प्रशासन एवं सरकार आईन अनुजाई पदक्षेप नहीं पारिबे बेआईन उच्छेद पूर्वरु प्रभावित लोकों ना पोर्टाल रे प्रकाशित करिबे सरकार या सहित उच्छेद बेलर भिडियोग्राफी निश्चित कराजिबो बोली स्पष्ट निर्देश देइछंती सुप्रीम कोर्ट मंगलवार शुणाणी बेले उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार पक्षरु सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहटा उपस्थित रहिथिले उत्तर प्रदेश ही बुलडोजर जस्टिस व्यवस्था देश में प्रथम आरंभ करथिबा कहि विरक्ति प्रकाश करथिले सुप्रीम कोर्ट
गांधी जयंती में राजनैतिक दल आणुंट प्रशांत किशोर किंग मेकर एवं किंग हेपाई मन बल आगक बिहार विधानसभा निर्वाचन थिबा बेले प्रशांत किशोर राज्यर समस्त 243 आसन में प्रार्थी देवाई योजना रखिंट तेरे कहीं निर्वाचनी रणनीतिकार कम छाड़ी सीधा निर्वाचन लड़ापी मन बल प्रशांत किशोर निर्वाचन लड़ापी बिहार में कौन रही सुविधा और सुजोग प्रशांत किशोर हे कि बिहार अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स रे क्लिक करी पारिबे तो पीके बहुत दिन किंग मेकर भावे से काम कले जहाँपाई काम कले किंग करदे जहाँपाई काम कर हाथ में धरईदे सफलता राजनैतिक प्रतिकूल परिस्थिति को प्रतिहत करमि विजय को हाथ मुठा को आनीहब से कला प्रशांत किशोर को भल भाव चणा गुजरात में मोदी को तृतीय थर मुख्यमंत्री आसन में बसईवा हो दिल्ली में प्रधानमंत्री आसन में बसईवा ममता बानर्जी को हाट्रिक विजयी कराइवा हो स्टालिन को तमिलनाडु गादीसीन कराइवा पूर्वतन कांग्रेस नेता कैप्टेन अमरिंदर सिंह दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समस्त को सफलता आनी प्रशांत किशोर किंतु एवं से किंग हेबाकु मन बल अक्टोबर 2 गांधी जयंती में निज राजनैतिक दल घोषणा करने को से दो ढाई साल के बिहार के इस अभियान के एक चरण की एक तरह से आप समझिए कि समाप्ति हो रही है और उसका प्रतिफल है कि 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर इस दल का नींव रख रहे हैं 2 तारीख को दल की घोषणा औपचारिक घोषणा होगी दल के नाम की दल के संविधान की और उसके प्रावधानों की और दल के साथ साथ दल के लीडरशिप की क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि मुझे दल का नेता नहीं बनना है तो और दल का नेता उसको बनाया जाएगा जिसको बिहार की जनता नीचे से जो 2-2.5 साल हम लोगों ने प्रयास किया है समाज में बात करी है तो जिस किसी को भी समाज ने चुना है जिस किसी को भी लोगों ने बताया जिस किसी ने भी समाज में वो परिश्रम पराक्रम काम किया है उसके आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है 2 तारीख को आपको दिखेगा कौन लोग चुनकर आए। प्रशांत किशोर जने भल निर्वाचन रणनीतिकार निर्वाचन राजनीतिर मिशाण फेड़ाण हरण गुणन से बेस धुरंधर परदा आढ़ुआल थी से केमिति रणनीति करती ताहा ए देश देखी तृतीय थर क्षमता को फेरवाक ममता बानर्जी तृणमूल कांग्रेस प्रयास करुवा बेले सरकार विरोधी हावा मुख्य प्रतिबंधक दलर बहु नेता बीजेपी को चलीगले अधिकांश गणमाध्यम भी ममता टीएमसी को टार्गेट करागला किंतु प्रशांत किशोर थिले स्थिर निश्चित तृतीय टर्म रे पश्चिमबंगे तृणमूल कांग्रेस बंपर विजय हासिल कर मूलर कही चलते और रेजल्ट भी से पश्चिमबंग एवं तमिलनाडु निर्वाचन में सफलता पर प्रशांत किशोर आउ कहापाई काम करना किंतु निज राज्य बिहार रे से बेस आक्टिव थिले जनसुराज यात्रा चलते आउ एबे राजनैतिक दल बाहर करने को जाबे कहीं प्रशांत किशोर किंग मेकर बदल किंग हेबाकु एते इच्छा जनसुराज अभियान के शुरुआत में ही ये कहा गया था कि एक इसका महत्वपूर्ण पड़ाव एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में जो पिछले 25-30 सालों से लोग मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते रहे हैं वो मजबूरी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो इसके लिए जरूरी है कि बिहार के लोग मिलकर एक बेहतर विकल्प बनाए और वो विकल्प जब बने तो वो विकल्प किसी व्यक्ति का ना हो जाति किसी परिवार का ना हो बल्कि बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं दल बनाना सबसे बड़ी चुनौती नहीं है दल का नेता बनना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है और मेरे नज़रिए से चुनाव जीतना भी सबसे बड़ी चुनौती नहीं है सबसे बड़ी चुनौती है समाज को बताना जगाना समझाना कि आपने अब तक जातियों पर वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया आपने मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया आपने मोदी लालू नीतीश के लिए वोट दिया आपने नेताओं के बच्चों के लिए वोट दिया लेकिन अभी तक बिहार में आपने कभी भी अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आगामी विधानसभा निर्वाचन में बिहार रो समस्त 243 आसन में प्रार्थी देवा योजना करिसंती प्रशांत किशोर तेरे कहीं आरजेडी जेडीयू बीजेपी और कांग्रेस को नहीं से कौन भावुंट
बिहार रे राजनीति रे एंट्री मारिबा को बिके को पई पॉलिटिकल स्कोप अछि त बीजेपी आरजेडी और जेडीयू रो स्थिति को नै कोन कहउचंती प्रशांत किशोर आसंतु टिके सुनि नबा। जब जदयू दल ही नहीं रहेगा तो जदयू का सक्सेसर क्या होगा? नीतीश कुमार का जो दल है, मैं उस दल में रहा हूं, नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है मैंने, उस दल की पूरी पूंजी नीतीश कुमार है। जब वही खत्म हो गई तो ब्याज से कैसे चलेगा? तो चलने वाला है नहीं, उसका कोई, उस दल का कोई भविष्य नहीं है। जहां तक मैंने आपने जो कहा सलाहकारों की बात, मैंने ये कहा कि आप बिहार में किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, वो कहेगा अधिकारियों का राज है, वो लालू जी के लड़के हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई पहचान नहीं है। तो भाई लालू जी के लड़के हैं, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। मैंने कहा कि वो 9th पास नहीं किए हैं, 9वां फेल है, तो भाई ये तो सत्य बात है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बीए में किया है, पीएचडी किया है और मैं गलत बोल रहा हूं कि 9th फेल है। अगर वो उन्होंने 10वां पास किया है, बीए में किया है, तो उसका सर्टिफिकेट जारी कर दें, हम लोग देख लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के लड़के रहते हुए अगर आप स्वयं 9th भी पास नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपकी खुद की सोच क्षमता से ज्यादा आपकी सोच क्या है। तो जो लोग बिहार को लीड करना चाहते हैं, बिहार की जनता ये तो समझना चाहिए उसको कि जिस व्यक्ति की अपनी सोच ये है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बिहार के समाज की शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेगा। बिहार में मैं जानता हूं कि बीजेपी लैकलस्टर नेतृत्व है, उनका कोई ना चेहरा है, ना उनका कोई प्रयास है, ना उनकी कोई बात कर रहा है। उन लोगों ने अपना नेतृत्व नीतीश जी के हवाले करके छोड़ दिया है, जबकि बीजेपी का खुद का बीजेपी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मान रहा है कि नीतीश जी के नाम पर चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस का भविष्य तो नहीं, मध्य बहुत बड़ कथा कहते से। तृतीय टर्म रे प्रधानमंत्री मोदी स्थिति दुर्बल थिबा बेले राहुल गांधी नेतृत्व में कांग्रेस उन्नति होता से कहते। तेरे राहुल निजक कांग्रेस नेता भाव प्रतिष्ठा करी वर्तमान सुधा देशर नेता हो पार्टी प्रशांत किशोर। देखिए मोदी तीसरे टर्म में कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन हमने तो इलेक्शन से पहले ये बात कहा कि सीटों का नंबर कुछ भी हो, तीसरा टर्म जो मोदी का होगा वो उस तीसरे टर्म में वो कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे, क्योंकि जमीन पर लोगों ने 10 साल 12 साल मोदी जी का कार्यक्रम देख लिया, उनका प्रयास देख लिया, उसका असर देख लिया। आप बिहार को देख लीजिए, बिहार की जनता ने 2014 में मोदी जी को 30 से ज्यादा सीट भाजपा को दिया, 2019 में 39 सीट दी, इस बार भी 30 से ज्यादा सीट ये लोग जीते हैं, लेकिन बिहार के लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आया? देखिए एलाइज रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो एलाइज को पता है, उनको पता है, इतना स्पष्ट है कि मोदी जी और ये जो सरकार है, ये इनकी लोकप्रियता, इनकी ताकत कम हुई है, और आगे की लॉन्जिविटी इस पर डिपेंड करेगी कि आने वाले 2-2.5 साल में जो 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, बंगाल, असम और तमिलनाडु, इन राज्यों के चुनाव के परिणाम अगर बीजेपी के खिलाफ हुए तो निश्चित तौर पर सरकार की स्थिरता को लेकर सवाल उठेंगे। अगर इन राज्यों में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उनकी ताकत बनी रहेगी। कांग्रेस की जो दशा या दुर्दशा थी उसमें थोड़ा सुधार हुआ है, अगर आपके 50-55 एमपी थे वो बढ़कर 100 हो गए तो निश्चित तौर पर आपकी ताकत बढ़ी है, और जो पिछले 1.5-2 साल से राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है, और इसका फायदा यह है कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो लीडर हैं, कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है, शायद वो विश्वास भी उनको, कि राहुल गांधी कांग्रेस को आगे लीड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस उसके ग्लोरी डेज में ला सकते हैं। उस बात को राहुल गांधी के अपने 2 साल के प्रयास ने सेटल कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर एस्टेब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं। संख्या थाउ ना न थाउ, बिहार रे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री, हुए तो यह राजनैतिक चातुरी हुई पारे। सेपटे सुशील मोदी मृत्यु पर बीजेपी नेता संधान रे थिबा बेले लोकसभा निर्वाचन रे झटकारे लालू प्रसाद आरजेडी चितपटांग। एभली स्थिति रे बिहार रे आउ जणे अरविंद केजरीवाल हुई उभावा को प्रयास आरंभ करिसेंती प्रशांत किशोर।
ଦେଖାଯାଉ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଣନୀତି କରି ସେମାନଙ୍କୁ 100 ରୁ 100% ସଫଳତା ଆଣିଦେଉଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ନିଜ ପାଇଁ କେମିତି ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। विधानसभा निर्वाचन पाखे आसुवा बेले मन पड़ी गाई कथा। महाराष्ट्र महायुति सरकार गाई को राज्य माता बोली घोषणा करिछंती। कैबिनेट निष्पत्ति परे एने सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश पाई आउ निजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गाई को राज्य माता घोषणा करिछंती। भारतीय संस्कृति विशेषकर हिंदू धर्म गाई स्थान बहु उपर जो गाई को राज्य माता घोषणा कर मुख्यमंत्री शिंदे 2014 साधारण निर्वाचन बेले जितेबले कि सारा देश में मोदी लहर बहुला सेतेबले गाई एक प्रमुख निर्वाचन मुद्दा होता परे गो सुरक्षा नाँ देश में एकाधिक भिड़ हिंसा देखापी मिलता बहु हत्याकांड तेरे किसी संगठन गाई सुरक्षार कथा कहता बेले 2014 पर गोमांस रप्तानी बहुत बढ़ी गोमांस रप्तानी में भारत एवं विश्व चतुर्थ स्थान में पहुंची से जहाँ भी हो विधानसभा निर्वाचन पूर्व कि महाराष्ट्र सरकार गाई को राज्यमाता अभिहित कर बहुत बड़ पदक्षेप नहीं किंतु यह पदक्षेप भोट्रे रूपातरित हो कि नहीं कह मुस्किल। आज के मंत्रिमंडल बैठक में अनेक निर्णय सरकार ने लिए हुए हैं, उसमें राज्य माता मतलब राज्य पशु राज्य पक्षी ऐसी जो पहचान है वैसी पहचान हमारे गौ माता को दी हुई है। ये कई लोगों की मांग थी, सुनिए हमारे शंकराचार्य जी की भी मांग थी, कई संतों की मांग थी और आज पूरी करने में हमें सफलता मिली है और इसलिए राज्य माता गौ माता के रूप में यहाँ पर पहचानी जाएगी। गौ वंश की रक्षा करना ये मतलब हमारा फर्ज है और राज्य ने इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ये लोगों ने बहुत बड़े जलोश में इसे स्वागत किया है। समय को छोटा ब्रेक रहो, अब ब्रेक पर देखिबा। कमिंग अप्र प्रायोजक उत्कल हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी कॉल 9090111144। 7 कोटी टंका ठकेर शिकार हेले बर्धमान ग्रुप मुख्य एपी ओसवाल। 2 दिन डिजिटल कस्टोडी रे रखी ठकी नेले साइबर ठक। ईडी सीबीआई एवं सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति को ना नहीं कले ठके। पुलिस रे अभियोग परे फेरी पाई 5 कोटी 25 लाख। कमिंग अप्र प्रायोजक उत्कल हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी कॉल 9090111144। कोदड़ा थाना द्वारस्थ होती एनएससी अध्यक्ष सांबादिक सम्मेलन में काउनसिलर भगवान पाड़ी कहते एनएससी में कनिष्ठ जंत्री भाव कार्यरत दीपिका बेहरा कौन नथिपत्र ना कार्यालय बेआईन भाव कार्य करुवा नहीं पूर्व कनिष्ठ जंत्री दरमा बंद होता आज जाशु कनिष्ठ जंत्री को घंट गुड़ाई रखिंट एनएससी अध्यक्ष एनएससी विभिन्न पोखरी दल काढ़ लक्षाधिक टं आत्मसात होम्नमान काम होता एनएससी में अनेक उन्नयनमूलक कार्य कम दिन में भांगी जाउछि। अध्यक्ष को मनमानी एभली चलिए से निश्चित स्वर उठाइबे बोली कहिछन्ति। कहा कथा सुनिबार नाही शत्रु देश लेबानन को पाने देबा को सबु प्रस्तुति सारिलाणी इजराइल लेबानन सीमारे ठुड़ा होउछि माळ माळ टंका ट्यांक तेज आउट से सीमार पोजिशन ट्यांक रेजिमेंट माने ग्राउंड वार पर शेष प्रस्तुति सारा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू का आदेश मिलवा मात्रे अटाक हो शत्रु देखिले निपात नीति में हिजबुल्ला मुख्य सैयद नसरल्ला खोजी खोजी मारा इज्राएल आक्रमण योजना बेले निजे आक्रमण शिकार होता नसरल्ला नसरल्ला मृत्यु पर आकलन कर लेबानन विरोध में आक्रमण को कमाई देव इज्राएल किंतु लेबानन विरोध में बड़ आकार समर सज्जा चली तेरु मध्य एशिया रे बड़ युद्ध आशंका बढ़ी जातिसंघ रे नेतान्याहू भी किसी एभरी इशारा दे सारी हिजबुल्ला को समर्थन करुवा अन्य देश को भी छड़ा जीवना नसरल्ला परे इज्राएल को टार्गेट को आसपे ईरान आउ जदि हुए ताहले मध्य एशिया रे भयंकर संकट बढ़ुची जदि मुस्लिम देश एक हो इज्राएल विरोध में अस्त्र धरती ताहले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी ए युद्ध में सामिल हो पाए। बॉलीवुड अभिनेता शिवसेना नेता गोविंदा देह में गुड़ फुटी निज बंधुक गोविंदा गोड़ में गुड़ बाजि मेडिका भर्ती
अक्टोबर 5 रे मिलिब पीएम किसान टंका योजना 18तम किस्ती बंचन हेबो सीधा सडक हिताधिकारी खाता को जीव टंका प्रधानमंत्री मोदी यार शुभारंभ करेंगे 20,000 कोटि टंका मिलिब लाभार्थी को उपकृत हे 9,50,00,000 कृषक वासी महाराष्ट्र टंका बंटन हेब दुदिनिया दिल्ली गस्तर जिबे मुख्यमंत्री भयंकर ठकई एकाथरके चलु करदे 7 कोटी टंका बर्धमान ग्रुप मुख्य एसपी ओसवाल बड़धरण साइबर ठकई सामना कर ठक माने तांकु ईडी सीबीआई एभली कि सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ना नहीं पूरा 7 कोटी टंका नहीं जाती 5,25,00,000 टंका एसपी जयसवाल फेरी पाई बेले बाकी टंका एजाए मिलना दुईज अभियुक्त को गिरफ्त कर 4 जन को खोजा चली मिछि मिछिका कोर्ट रूम ताहा पुनी वर्चुअल रे ठक्क निजकु सीधा सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ बोली कहिथिला आउ जेउ डॉक्यूमेंट देखाइथिला से सबु थिला संपूर्ण ओरिजिनल भली ठक्कर सीधा टार्गेट रे पड़िथिले देशर प्रमुख टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बर्धमान ग्रुप मुख्य 82 वर्ष एसपी ओसवाल गत सेप्टेम्बर 28 और 29 तारीख में डिजिटल अरेस्ट होइथिले बर्धमान ग्रुप अध्यक्ष तथा परिचालन निर्देशक एसपी ओसवाल 28 तारीख में एसपी ओसवाल को फोन को एक अजना नंबर रु कॉल आसीथला सेपटे थिबा व्यक्ति कहिथिले न दबायकु जदि न न दबांती तबे फोन रो संजोग कटि जिवो अर्थात फोन अकामी होइ जिवो 82 वर्षीय एसपी ओसवाल संगे संगे न दबाइथिले संगे संगे था वीडियो कॉल को रूपांतरित होइथिला सेपटे सुनिबा को मिलिथिला मुंबई कोलाप स्थित सीबीआई ऑफिस रु कहुछि आपनक नाम रे केहि जने फोन नंबर व्यवहार करुछथि संपृक्त व्यक्ति कानारा बैंक एक अकाउंट खोली जो थी बहुत आर्थिक अनियमितता होती मनी लॉन्ड्रिंग मामलें गिरफ होता पूर्वतन जेट एयरवेज मुख्य नरेश गोयल को ठकई सह अकाउंट जड़ित थिबा एसपी ओसवाल को कहते ठक कानारा बैंक अकाउंट नथिबा ठक को एसपी ओसवाल जिते कहते भी से शुणी नथिले बर मामलें ओसवाल संदिग्ध थिबा खूब शीघ्र जेरा और गिरफ देव ठक मैंने ओसवाल का आधार कार्ड समस्त तथ्य सठिक भाव कहवा पर आहरी भयभीत हो पड़ते से संगे संगे डिजिटल कस्टडी को नहीं जेरा करते सजोग कले सुरक्षा जगाई देवा को भी कही 28 और 29 तारीख 2 दिन धरी संपूर्ण रूपे ठक मैंने ओसवाल को भिडियो कल रखी राहुल गुप्ता बोली परिचय दे जे ठक निजक घटनार तदंत अधिकारी तदंत संक्रांत 70 आईन कानून ओसवाल पाखक पठाई प्राधान्य तुरंत तदन सारे ओसवाल एक पत्र लिखा कही ठक कथार एसपी ओसवाल से ही करते 2 दिन धरी डिजिटल अरेस्ट में ठक मैंने एसपी ओसवाल पिलादन कथा आरंभ कर शिक्षा दीक्षा व्यवसाय सबकि बाबद पचार बुझे अन्य का आगे बाबद कहले 3 रु 5 वर्ष जेल दंड होते ठक मैंने सादा पोशाक से बेकर परिचय पत्र फिता झुलुला पूरा अफिस् शैली स्टूडियो भी करते जातीय पताका भी पछपटे ठक मानक जड़े निजक सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ बोली कही निर्देश जारी करथिला व्हाट्सएप रे एभले लिखित डॉक्यूमेंट एसपी ओसवाल को मिलिथिला ताको नामरे जाल गिरफ परवाना भी जारी करथिले जाल सुप्रीम कोर्ट निर्देश नामरे 3टी रेवेन्यू स्टाम्प लागिथिला एतिसहित सुप्रीम कोर्ट को लोगो स्टाम्प एवं बार एसोसिएशन स्टाम्प भी लागिथिला सेपटे जाल गिरफ परवाना रे ईडी रो लोगो स्टाम्प सह नीरज कुमार नामक जड़े व्यक्ति दस्तखत थिला नीरज कुमार नामक आउ जड़े ठक ईडी आसीस्टांट डिरेक्टर भाव से दस्तखत करते मुंबई पुलिस स्टाम्प भी से जाल सुप्रीमकोर्ट निर्देशनामा किसी बैंक आकाउंट नंबर था एसपी ओसवाल एसबू आकाउंट्रे 7 कोटी टंका भरवाक ठक मैंने कही सत को सत एसपी ओसवाल 7 कोटी टंका से सब आकाउंट को ट्रांसफर करते ठकामी शिकार होता जानवाक पाई एसपी ओसवाल पुलिस अभियोग पर 5,25,00,000 टंका फेरी पाई घटन संपृक्त आसाम गुवाहाटी दुई व्यवसायी अतनु चौधरी और आनंद कुमार को गिरफ्त कर घटनार मास्टरमाइंड पूर्वतन बैंक अधिकारी रूमी कलिता निमि भट्टाचार्य गुलाम मुर्ताज और जाकिर को खोजुची पुलिस साइबर ठकई आजिकल किसी नुआ नुहे निज अज्ञता जो बहु लोक यार शिकार होेणु एथप्रति लोक सचेतन होगा पड़ो निज टा पैसा नहीं सबुले सतर्क रहा प्रथमतः जानवाक
ভারতীয় দণ্ড কিংবা ন্যায় ব্যবস্থায় ডিজিটাল টার্ম বলে কিছু অছি না নাহি। তেনু যদি কেউ আপনার ডিজিটাল আরেস্ট কিংবা ডিজিটাল কষ্টডি নেওয়া কুচি তবে আপনার সিধা তা প্রত্যাখ্যান করে স্থানীয় পুলিশ জনাতু। ইডি, সিবিআই কিংবা সুপ্রিমকোর্ট বিচারপতি বলে যদি কেউ কুমেন তা সেটা গুরুত্ব দিও না, কারণ ইডি সিবিআই যদি আপনার গিরফ করা আসতে তবে স্থানীয় পুলিশর বিনা সহযোগ এবং সহমতি তা করে পারে না। যদি কেউ ডিজিটাল ডকুমেন্ট পঠাউন তবে তাকে ব্যস্ত বিব্রত হুম না। যদি নিজে নজাপার তবে কৌশি বরিষ্ঠ পুলিশ অধিকারী কিংবা জনাশুনা উকিল পরামর্শ করতু। কাগজপত্র যদি আপনার সঠিকভাবে যাঞ্চ করবে তবে সেসব অরিজিনাল কি ডুপ্লিকেট আপনার জাঁপারে, কারণ প্রবর্তন নির্দেশালয় বা ইডি যদি কাহা নামে গিরফ পরোয়ানা জারি করে তবে সেতিরে কোনসি রাজ্য পুলিশের স্টাম্প নথায়। এই যেমিতি এসপি ওসওয়ালঙ্ক বিরোধে জাল গিরফ পরোয়ানার মুম্বাই পুলিশের স্টাম্প রইতিলা। পুনি সুপ্রিমকোর্টক প্রতিটি নির্দেশনামারে বারকোড এবং ডিজিটাল দস্তখত থাকে, যা কি এসপি ওসওয়ালঙ্ক জারি নির্দেশনামারে নথিলা। তেমন এক্ষেত্রে লোককে হি সচেতন হওয়া পড়ব আর সতর্ক রাখা হব। ফোন কলরে কা পরামর্শে ব্যাঙ্ক আকাউন্টে থাকা সমস্যার সমাধান করা আদম চেষ্টা করতু না, নিজে ব্যাঙ্ক যাই বুঝিপারে আপনার। এতে চেষ্টা করা পরে যদি আপনার ঠক কবল নিজকে মুকুলাই পু না তবে গোটিয়ে কাম করতু, সিধা কহি দিও মু এইটি অছি মো পাখ আস বাস, তাপরে ফোন কাটি দিও। মনে রাখতু এসব অধিকাংশ কল কেবল হোয়াটসঅ্যাপে হি আসি থাকে, যে নম্বর কু না আপনার কল করে পারে না হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ দিয়ে পারে। রিপোর্ট নিউজ 18 ওড়িয়া।